मेयर की मेहरबानी कब? जी हाँ, लोगों के जहन में यही सवाल खड़ा हुआ है। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। स्मार्ट सिटी जयपुर की कमान संभाले मेयर अशोक लाहोटी को कई महीने बीत चुके हैं। जिस दिन उन्होंने मेयर के रूप में शपथ ली थी, उस दिन उन्होंने शहर की जनता से एक महीने में शहर से गंदगी और कचरा दूर कर देने का वादा किया था। लेकिन आज कई महीनों बाद भी जयपुर शहर गंदगी और कचरे से अटा पड़ा हुआ है। मेयर लाहोटी अपने दफ्तर और अपने वार्ड को चमकाने में पूरी तरह से लगे हैं, बाकी पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। वहीं पिंक सिटी को कचरे से ना तो डोर टू डोर योजना मुक्ति दिलाई पाई और ना ही कोई दूसरे प्रयास किए गए हैं। यहां तक कि अब तो नगर निगम के ठेकेदार भी भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और ऐसे में शहर की सफाई भगवान भरोसे है। स्मार्ट सिटी जयपुर की कमान संभाले मेयर अशोक लाहोटी को कई महीने बीत चुके हैं। जिस दिन उन्होंने मेयर के रूप में शपथ ली थी, उस दिन उन्होंने शहर की जनता से दो महीने में शहर से गंदगी और कचरा दूर कर देने का वादा किया था। लेकिन आज कई महीने बीत जाने के बावजूद जयपुर शहर गंदगी और कचरे से अटा पड़ा है। लोग परेशान हैं और अपने आप को थका सा महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेयर लाहोटी अपने दफ्तर को चमकाने में लगे हुए हैं, यहां तक कि उनका खुद का वार्ड भी साफ सुथरा है। ऐसे में उनके वादे और दावे लोगों के सामने झूठे साबित होने लगे हैं और जयपुर शहर के लोगों को मेयर की मेहरबानी का इंतजार है कि पिंक सिटी पूरी तरह से कब साफ होगी। मेयर स्मार्ट, शहर गंदा। पिंक सिटी का एक सच ये भी, सुन लो पुकार मेयर प्यारे, क्या हुआ वादों का। जयपुर शहर के नवे मेयर अशोक लाहोटी चार महीने बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाए हैं। ये वही लाहोटी हैं जिन्होंने मेयर बनते ही यहां की जनता से एक महीने का समय मांगा था। और जयपुर शहर का कायाकल्प कर देने का वादा किया था। लेकिन जयपुर शहर के आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। मेयर लाहोटी ने अपने शपथ ग्रहण में यहाँ की जनता से वादा किया था कि वे शहर की एक एक गली से गंदगी हटवा देंगे। जयपुर शहर की सड़कों पर गंदगी का कोई नामो निशान नहीं होगा। कचरा पात्र व्यवस्थित तरीके से रखे जाएंगे। सड़कों पर आवारा पशु दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये क्या मेयर साहब, पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है। गलियों में कचरे और गंदगी की भरमार है। शहर में अतिक्रमण पसरा है। सड़कों पर आवारा पशु भी घूम रहे हैं। जयपुर शहर के इस नजारे को देखकर लगता है कि मेयर लाहोटी ने अब तक अपना वो वादा पूरा नहीं किया है जो उन्होंने शपथ लेते समय जयपुर शहर की जनता से किया था। मेयर साहब अपना वादा तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस गंदगी के लिए जयपुर शहर की जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मेयर लाहोटी शहर की सफाई व्यवस्था को ठीक करने की बजाय अब इसके लिए यहाँ की जनता में सिविक सेंस की कमी बताकर उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही मेयर लाहोटी जनता को अपने आप में सिविल सेंस डेवलप करने की नसीहत भी दे चुके हैं। कुछ दिनों पहले सूबे की मुख्यमंत्री ने भी जयपुर शहर का दौरा किया था और उन्होंने शहर में अवैध तरीके से लगे होर्डिंग और अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी जयपुर नगर निगम ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
साथ ही शहर की हर गली मोहल्ले और कॉलोनियों में नित्रोज हो रहे अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्य सरकार ने जयपुर मेयर अशोक लाहोटी को बचे हुए कार्यकाल के लिए कामों का लक्ष्य भी सौंपा था। ये लक्ष्य सरकार की ओर से तय किया गया था। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का पूरा काम शपथ पत्र के जरिए लाहोटी को सौंप दिया गया था। सरकार ने जयपुर मेयर को ये संदेश भी दिया था कि शहरी सरकार का पहला लक्ष्य इस शहर को साफ सुथरा रखना है, लेकिन अभी तक शहर के हालातों को देखकर लगता है कि मेयर लाहोटी और नगर निगम इन सब में फेल साबित हुआ है। ये किसी छोटे शहर या कस्बे का हाल नहीं है, बल्कि ये राजधानी जयपुर का हाल है जो पूरी तरह से गंदगी से अटी पड़ी है। सड़कों पर फैलता कचरा, सफाई न होने से रुकी हुई नालियां और बीच सड़क पर विचरण करते आवारा जानवर, कई इलाके तो ऐसे हैं जिनमें सफाई कर्मचारी कभी जाते ही नहीं। ऐसे में बेचारी जनता परेशान है। अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 58 पे, सेज फार्म पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं क्या आलम है, रोड पे ही बड़ी संख्या में यहाँ पे कचरा मौजूद है। आम जनता को यहाँ पे खासा प्रॉब्लम होती है जब भी यहाँ से वाहन गुजरते हैं, हैवी वाहन ट्रैफिक रहता है इस रोड पर। हम सबसे व्यस्तम मार्गों में ये शुमार है ये रोड, क्योंकि सी स्कीम का एरिया जो सबसे पॉश इलाका है वहाँ पर ये उसके पास में ही रोड पड़ती है। VVIP इलाका भी इसके पीछे ही आता है जस्ट। ऐसे में इस रोड पर हमेशा ही इस तरह के कचरे का ढेर लगा रहता है। अभी हमारे साथ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनका क्या कहना है सर, आप बताइए कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है? बिल्कुल सर, हमारा तो मैं यहाँ पे सर सामने ही मेरा खुद का ये कैफे है, जस्ट हमारे कैफे के जस्ट सामने है, तो हम लोग खुद को परेशानी है गाड़ी वाड़ी यहाँ पे मोड़ना करना, ठीक है। लोगों को सामने से देखने में बहुत अजीब सा लगता है और यहाँ की जो दुर्गंध फैलती है ना इस चीज की, वो भी बहुत ज्यादा परेशान करती है हम लोगों को। क्या आपको लगता है अब स्मार्ट सिटी बन पाएगी इस तरह से? नहीं सर, इससे तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम है ना रोज आते हैं, रोज निकलते हैं इधर से, रोज यहाँ पे मतलब हमेशा इतना ही कचरा पड़ा रहता है। रोज रोज गाड़ी आती है, उठा के लेके जाती है, शाम तक वापस इतना ही कचरा हो जाता है। आपका क्या कहना है? मेयर अशोक लाहोटी ने खुद का वार्ड स्मार्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ आलम ये है, इससे दिन लगता है आज दिन यहाँ पे रोडों पे गाड़ी निकलती है, आज दिन गिरती रहती है गाड़ी, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, इससे वो खासी लोग परेशानी होती है, दिक्कत होती है लोगों को, आने जाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। इससे दिन लगता है कि स्मार्ट सिटी बन सकती है। तो क्या कहना है इस विषय पर? खैर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए उनको, सफाई पे, बाकी काम तो अच्छा करते हैं, मगर फिर भी ये जो गंदगी है वो एक तरह से बता रही है कि, और स्वच्छ होना चाहिए, इससे बीमारियां भी फैलती है और आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है इधर से। तो आप देख सकते हैं लोगों का साफ तौर पे कहना है, आम पब्लिक को खासा परेशानी हो रही है। अशोक लाहोटी से पहले निर्मल नाहटा जयपुर शहर के मेयर थे। इंडिया न्यूज की टीम ने मेयर निर्मल नाहटा के वार्ड का जायजा लिया। यहाँ भी चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है, सड़कों पर कचरा फैला है और कचरे में मुंह मारते आवारा जानवर। ऐसे में यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन मेयर लाहोटी और पूरा नगर निगम बेपरवाह बना है। यहां तक कि डोर टू डोर योजना भी शहर के लोगों को गंदगी और कचरे की समस्या से राहत नहीं दिला पाई। पूर्व मेयर निर्मल नाहटा के वार्ड में अब हम पहुंच चुके हैं। हमने भी सोचा इनके वार्ड का भी आलम जाने क्या हाल है, क्या इनके वार्ड में कचरा है या नहीं है, इसके लिए हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं। आप रोडवेज कार्यालय के पास में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनके वार्ड में भी कचरे का क्या आलम है, बड़ी संख्या में यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। साफ तौर पर यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि कचरा नहीं उठाया गया। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कचरा पात्र में डाले, लेकिन यहाँ पे कचरा पात्र ही मौजूद नहीं है और कचरा डालना यहाँ सख्त मना है, ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन साफ यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है। वहीं अचानक सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से इस शहर के हालात बद से बदतर नजर आने लगे हैं। दरअसल भुगतान नहीं होने और नए ठेकों का वर्क ऑर्डर नहीं देने से नाराज ठेकेदारों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। नगर निगम आयुक्त हेमंत गैरा पहले से ही छुट्टियों पर चल रहे हैं और महापौर अशोक लाहोटी जोधपुर में चल रही बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में गए हैं। ऐसे में शहरवासियों को गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। नगर निगम में अस्थाई बीट्स का ठेका पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे में अस्थाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है।
निगम ने जॉब बेसिस पर वार्ड वाइज ठेके तो कर लिए, लेकिन अभी तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने से सफाई कार्य रुका पड़ा है। जयपुर शहर में कचरा परिवहन के ठेकेदार के जिसके कारण पूरे जयपुर शहर की कचरा संग्रहण व्यवस्था चरमराई हुई है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं गुजर की खड़ी के पास में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे का बड़ी संख्या में ढेर लगा हुआ है। इवन जो ठेकेदार है वो हड़ताल पे, ऐसे में पूरी जयपुर के हालात ये हैं कि पूरे जयपुर में आज कचरा नहीं उठ पाया, ऐसे में आम जनता को खासा प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ जयपुर शहर के जो मेयर हैं नवनीत, तो वो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे बन पाएगी स्मार्ट सिटी? ऐसे तो लगता नहीं, ऐसी हालातों में स्मार्ट सिटी बन पाएगी। अशोक लाहोटी जब जयपुर शहर के मेयर निर्वाचित हुए थे तो उन्होंने पूरे जयपुर शहर के विकास का वादा किया था, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा है, बल्कि हकीकत यह है कि मेयर सिर्फ खुद स्मार्ट बनने में लगे हैं। मेयर लाहोटी खुद के दफ्तर को चमकाने में लगे हैं। शहर भले ही ना चमका हो, लेकिन मेयर साहब पर पूरी चमक छाई है, उनका दफ्तर भी चमक उठा है। अपने दफ्तर को शानदार लुक देने के लिए यहां उन्होंने कई काम कराए हैं, नए और महंगे आरामदायक सोफे, पूरे दफ्तर में नया पेंट, आकर्षक पेंटिंग, कुल मिलाकर इन दिनों मेयर साहब का पूरा दफ्तर चमक रहा है। शहरी सरकार के मुखिया यानी महापौर के हम गेट पे मौजूद हैं, आप अंदर चल के देख सकते हैं कि महापौर अशोक लाहोटी जब से बने हैं, इस जो महापौर का ये कार्यालय होता है इसकी चकाचौंध ही बदल गई है। साफ तौर पे आप देख रहे होंगे दर्शक कि किस तरह से महापौर आते ही यहाँ पर रंग रोंग शुरू हो गया है। नए महापौर बने थे अशोक लाहोटी, उनके कार्यालय में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके कार्यालय पर यहाँ पर चकाचौंध हो चुकी है और कई तरह के चित्र लगाए गए हैं और बाहर भी कई तरह के चित्र लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्मार्ट कार्यालय हो चुका है, चारों ओर चकाचौंध ही बदल गई है मेयर अशोक लाहोटी के बनते। आप देख रहे होंगे किस तरह से ये जो पूरा रंग रोगन कराया गया है, स्मार्ट लाइटें भी यहाँ पे लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं मेयर अशोक लाहोटी के बनते ये कार्यालय भी पूरी तरह से स्मार्ट हो गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये चित्र लगाए गए हैं, जंतर मंतर जयपुर को पूरी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है, पूरा कार्यालय ही स्मार्ट बना दिया गया है। मेयर लाहोटी को सिर्फ अपनी खुद की और अपनों की चिंता है, खुद को और खुद का दफ्तर चमकाने के साथ ही मेयर अशोक लाहोटी खुद का वार्ड भी चमका चुके हैं। यहां तक कि डोर टू डोर योजना की शुरुआत भी मेयर लाहोटी के वार्ड से ही की गई थी और मेयर साहब के दफ्तर की तरह उनका खुद का वार्ड भी चमक रहा है। चकाचौंध सड़कें हैं, यहाँ पे सड़कों पर कचरा कूड़ा नजर नहीं आ रहा और डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना की जो अभियान की शुरुआत, जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई थी, वो भी मानस रोड से शुरू की थी और सिविल लाइन्स जोन से शुरू गई थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट बन चुका है मेयर का वार्ड भी और मेयर के वार्ड के आसपास जितने भी उद्यान है उनको भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। करने के लिए हम जज्बे के रूप में काम कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी जल्दी मिलेगी। जयपुर बहुत स्मार्ट है, हम सब मिलकर इसको स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट सिटी के मेयर खुद स्मार्ट हो गए हैं, उनका दफ्तर भी स्मार्ट हो चुका है और उनका खुद का वार्ड भी चमक रहा है, लेकिन जयपुर शहर के हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे। शहर का हर जोन कचरे से अटा पड़ा है, लोग परेशान हैं, ऐसे में लोगों को लगता है कि वे इस बार भी ठगे गए हैं और उनका एक ही सवाल है कि आखिर पूरा जयपुर शहर किस दिन पूरी तरह से स्मार्ट बनेगा, या फिर मेयर साहब अपने आप को, खुद को, अपने दफ्तर को और अपने इलाके को ही स्मार्ट बनाने में उलझे रहेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जयपुर शहर के मेयर अशोक लाहोटी खुद का वो वादा याद करेंगे जो उन्होंने शपथ लेते हुए इस शहर की जनता से किया था और जल्द ही पूरे जयपुर शहर की सुध लेंगे। जितेश जेठानंदानी, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब ऐसे में लोगों के जहन में सवाल यही खड़ा हुआ है कि आखिर मेयर की मेहरबानी कब होगी, आखिर जो स्मार्ट सिटी की बात बनाने की दावा यहाँ पर किया जा रहा है वो स्मार्ट सिटी में कब तब्दील होगा, क्योंकि मेयर एक तरफ तो अपने कार्यालय को चमकाने में पूरी तरह से मशगूल हैं, लेकिन शहर की सड़कें किस तरह से कचरे से भरमार हैं, कचरे से अटी पड़ी हैं, इसका कोई अंदाज़ा मेयर को नहीं है। हालांकि मेयर अशोक लाहोटी का कहना है कि उनकी तरफ से जल्द समस्या को निपटा दिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर वो जल्द वक्त कब आएगा जब ये समस्या दूर हो जाएगी। आपको खास बात बता दें कि जब मेयर अशोक लाहोटी इस पद को संभाल रहे थे तो उनकी तरफ से
एक महीने के अंदर पूरे शहर को चमका देने, पूरे शहर को कचरा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कई महीने हो चले हैं लेकिन आलम किस तरह से पिंक सिटी का बना हुआ है वो आपको हमने तस्वीरों के जरिए दिखाया। और लोग यही चाहते हैं कि आखिर कब ये जो पिंक सिटी है स्मार्ट सिटी में तब्दील होगी। लेकिन इस बात से ये साफ जरूर हो जाता है कि जो दावे यहाँ पर किए जाते रहे हैं वो दावे सिर्फ महज बातूनी दावे हैं। धरातल पर कितना इसका अमली जामा इसको पहनाया जा रहा है, कितने कारगर ये साबित हो रही है, ये इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और मेयर अशोक लाहोटी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर वो जो दावा जो वो पद संभाल रहे थे उनकी तरफ से किया गया वो कब पूरा होगा, आखिर वो पीछे उसकी वजह क्या है। और जिस तरह से देखा जाए पूरा जो शहर है गंदगी से भरमार है और एक तरफ जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें भी रोष बरकरार है, उनका भी कहना है कि समय पर भुगतान नहीं हो रहा जिसके चलते वो हड़ताल पर आ गए। लेकिन सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। तो मेयर अशोक लाहोटी ने जब मेयर के रूप में जयपुर शहर की कमान संभाली थी तो शहर को चमकाने का वादा किया था, लेकिन ये वादा आज भी अधूरा है और शहर गंदगी से अटा पड़ा है और लोग परेशान हैं। पिंक सिटी को कचरे से ना तो डोर टू डोर योजना मुक्त दिला पाई है और ना ही कोई दूसरे प्रयास, यहां तक कि अब तो नगर निगम के ठेकेदार भी भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए और ऐसे में शहर की सफाई भगवान भरोसे। मेयर अशोक लाहोटी ने जब जयपुर के मेयर के रूप में शहर की कमान संभाली थी तो शहर को चमकाने का वादा किया था, लेकिन ये वादा आज तक अधूरा है। शहर गंदगी से अटा पड़ा है और लोग परेशान हैं। पिंक सिटी को कचरे से ना तो डोर टू डोर योजना मुक्ति दिला पाई, ना ही कोई दूसरे प्रयास किए गए। यहां तक कि अब तो नगर निगम के ठेकेदार भी भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चल दिए हैं। 20 करोड़ के बकाया भुगतान से खफा जयपुर नगर निगम के कचरा परिवहन ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी है। ऐसे में गुलाबी नगरी को साफ सुथरा शहर बनाने के दावे की आज फिर हवा निकल गई है। वर्क ऑर्डर नहीं मिलने और 20 करोड़ का भुगतान नहीं होने पर शहर में कचरा नहीं उठा। ऐसे में शहर में कई जगहों पर कचरे और गंदगी के ढेर लग गए। पिंक सिटी कचरा परिवहन संघ ने निगम को पहले से ही पत्र देकर 1 मई से काम बंद करने की चेतावनी दे दी थी। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए 320 संसाधन ठेकेदारों के लगाए गए हैं, जिसमें 174 ट्रैक्टर ट्रॉली, 70 डंपर, 60 लोडर और 12 जेसीबी निगम के गैराज से बाहर नहीं निकले। लेकिन निगम प्रशासन ने कोई भी वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया। निगम का अपना दावा है, निगम प्रशासन जो बेसिस के ठेके होने के बाद भी इसलिए वर्क ऑर्डर नहीं दे रहा क्योंकि फर्म पीएफ विभाग से रजिस्टर्ड नहीं है। मेयर लाहोटी चाहते हैं कि जो बेसिस का ठेका लेने वालों को वर्क ऑर्डर दे दिया जाए और जब वे बिल लगाएं तब निगम उनसे पीएफ में रजिस्टर्ड होने की बात कह दें। पीएफ से रजिस्टर्ड होने पर ही भुगतान किया जाए, तब तक डोर टू डोर का काम शुरू हो जाएगा। हकीकत में डोर टू डोर का ठेका लेने वाली फर्म अभी 2 महीने तक काम शुरू करने की हालत में नहीं है। बहरहाल यदि नगर निगम प्रशासन को वास्तव में जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था सुधारनी है तो स्थायी सफाई कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी जल्द सफाई कार्य के लिए तैनात करने होंगे। साथ ही कर्मचारियों की तैनाती में कोई गफलत ना हो इसका खास ख्याल रखना होगा। इनके मॉनिटरिंग चैन सिस्टम से हो, हर वार्ड का नियमित रिपोर्ट कार्ड बने और लापरवाही करने वाले अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो।
बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पिंक सिटी की सफाई व्यवस्था पटरी पर आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।